नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपने उत्तराखंड के वन लाइनर्स। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में। पहला प्रश्न है, 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई बागेश्वर के बैजनाथ में। बागेश्वर के बैजनाथ में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था? इसका सही उत्तर है बसंत देव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्बर वंश का वो कौन शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना का प्रयत्न किया था, बांधना चाहता था? इसका सही उत्तर है निम्बर पुत्र इष्टगण। अगला प्रश्न है, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिष मदनी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण किया? उसका नाम था इष्टगण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पांडुकेशर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंग पंग के मग धरती के उमार के लिए ब्रह्म अवतार बताया गया है? इष्टगण पुत्र ललित सूरदेव को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बैजनाथ मंदिर को किसने बनवाया? उनका नाम था ललित पुत्र भूदेव ने। अगला प्रश्न है, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब चलाया गया? वर्ष 1911 से 1917 के मध्य में यह आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में भोलू राम और नागेंद्र शहीद हो गए? कीर्तिनगर के आंदोलन में। अगला प्रश्न है, राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब शुरू हुआ? 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में देहरादून से किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? इसका उत्तर है युगवाणी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया? इसका उत्तर है कुंती वर्मा को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने कौन सा आश्रम स्थापित किया? आश्रम का नाम था लक्ष्मी आश्रम। अगला प्रश्न है, चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में कब शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की? वो था वर्ष 1937 में। अगला प्रश्न है, एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ दो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, वर्ष 1973 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई? सर्वप्रथम उठाई गई 1938 में। अगला प्रश्न है, लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की? उसका उत्तर है एच डी देवगौड़ा ने। अगला प्रश्न है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। अगला प्रश्न है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन वर्ष 1982 में किसने किया? जयानंद भारती ने। अगला प्रश्न है, हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन कब किया गया? उसका गठन हुआ वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न है, कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फैलाया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया? इसका उत्तर है 6 जनवरी 1930 को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
लक्ष्मीदास जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे? वो थे आपके अयोध्या के, वो थे आपके अयोध्या के। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता कौन थे? कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे कार्तिकेय। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई? कुमाऊं क्षेत्र में। इसका उत्तर है कुमाऊं क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा और लोक भाषा क्या थी? राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन शासकों का आधिपत्य था? इसका सही उत्तर है कत्यूर या कत्यूरियों का। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।